हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। आज मैं आपके साथ पुराने कपड़ों का बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद शायद ही आप पुराने कपड़ों का यूज़ सिर्फ डस्टिंग, क्लीनिंग एंड पोछा लगाने के लिए करने वाले हो। सो फ्रेंड्स, आइडिया थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने कपड़े का जो मैं पहला रियूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है और उसे देखने के बाद आप ज़रूर कहोगे कि आपने बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर की है। तो इसके लिए आपको कोई भी पुरानी शर्ट ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी शर्ट पड़ी थी, तो इसका ऑलरेडी रियूज़ मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया है, तो उसी की बची हुई शर्ट का ही मैं रियूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले शर्ट का जो एक स्लीव है उसे कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने स्लीव कट कर लिया है और उसके बाद ये स्लीव का जो बटन वाला हिस्सा है नीचे में जो लगा हुआ है उसे भी हमें कट कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह की कोई भी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की या प्लास्टिक की पानी की बॉटल ले लेनी है। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल यूज़ की है और उसका बॉटम वाला एरिया और जो मैं ऊपर में मार्क करके दिखा रही हूँ वो एरिया हमें कैंची की हेल्प से, नहीं तो किसी नोकीली चीज़ की हेल्प से कट कर देना है। और कट करने के बाद बॉटल कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद हमने शर्ट का जो स्लीव कट किया था उसे ले लेना है और उसे उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद हमें स्लीव का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद उसमें सुई धागे की हेल्प से या मशीन की हेल्प से स्टिच लगा देनी है। बट स्टिच करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि जो हमने ऊपर और नीचे साइड फोल्ड लगाई है उसमें थोड़ी बड़ी गैप रखें, ताकि कोई भी डोरी हम इसके अंदर डालें तो वो ईजिली अंदर जा सके। उसके बाद हमें स्लीव को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद जहाँ पे हमने स्टिच किया था वहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से कट लगा के कोई भी डोरी हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इलास्टिक नहीं थी इसलिए मैंने डोरी का यूज़ किया है। उसके बाद शर्ट के ही स्लीव से हमें इस तरह का एक छोटा सा नाड़ा तैयार कर लेना है और उस नाड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर वाले हिस्से में स्लीव के इस तरह से हमें स्टिच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने प्लास्टिक की बॉटल ली थी उसके एजेस मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप से इस तरह से पैक कर दिए हैं, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा प्रेस गरम करके भी इसके जो एजेस है उसे प्लेन कर सकते हो। इतना होने के बाद जो बॉटल हमने कट की थी वो बॉटल हमें स्लीव के अंदर इस तरह से डाल देनी है। इस स्लीव के अंदर बॉटल बहुत अच्छे से आ जाती है और जो नीचे वाली डोरी है उसे इस तरह से बांध देना है। अगर ऊपर वाला हिस्सा भी आपका लूज हो रहा है तो आप उसमें भी थोड़ा सा कट लगा के इस तरह से डोरी डाल सकते हो, लेकिन मेरी बॉटल इस ऑर्गेनाइज़र में बहुत ही अच्छे से फिट हो रही थी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे और डेकोरेट करने के लिए मेरे पास एक लेस पड़ी थी तो उसे भी इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर चिपका दिया है और ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में पुराने कपड़ों से बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब आपको लग रहा है कि इसका यूज़ क्या करना है, तो हम सभी के घर में इस तरह से प्लास्टिक बैग का तो बहुत सारा कलेक्शन होता है। कई बार हम उसे इधर उधर रख देते हैं और हमें जब प्लास्टिक की ज़रूरत होती है वो टाइम पर मिलती नहीं, तो आप भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के प्लास्टिक को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इसकी वजह से आपको प्लास्टिक टाइम पे भी मिलेगी और ये ऑर्गेनाइज़र का इतना फ़ायदा है कि आपको इसमें प्लास्टिक अच्छे से अरेंज भी करके रखनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको प्लास्टिक को इस तरह से डालना है और नीचे से जब ज़रूरत हो तब निकालना है। और इसमें जो कवर चढ़ा है आप चाहे तो ख़राब होने पर वॉश भी कर सकते हो और सुखा के फिर से इसको रीयूज़ भी कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स, पुराने कपड़ों का ये रीयूज़ आपको पसंद आया हो। अगर आपको पुराने कपड़ों का ये रिव्यूज़ थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये आपको ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। उसके बाद हम जो सेकंड आइडिया देखने वाले हैं उसके लिए आपको इस तरह की दो वायर ले लेनी है। दोनों वायर का साइज़ सेम होना चाहिए और उसके बाद दोनों वायर को सर्कल शेप में हमें इस तरह से शेप दे देनी है और किसी मास्किंग टेप से इन वायर को इस तरह से पैक कर लेना है। इतना होने के बाद हमें इस तरह का कोई भी मोटा प्लास्टिक ले लेना है, नहीं तो यहाँ पे आप आटा बैग या राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5-5 किलो वाली जो आटा बैग होती है वो दो आटा बैग ली है और दोनों आटा बैग को इस तरह से कट करके बीच में से जॉइन कर दिया है। उसके बाद जो हमने आटा बैग ली थी उससे बड़ा थोड़ा कपड़ा ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास पुराना टॉवल पड़ा हुआ था तो मैंने वही ले लिया। आप चाहे तो इसकी जगह किसी दुपट्टे या किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो और उसके बाद उस कपड़े को इस तरह से फैला के ऊपर इस तरह से आटा बैग रख देनी है और उसके बाद इस कपड़े को आटा बैग के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद सिलाई मशीन से हमें दोनों साइड सिल देने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिल दिए हैं।
देन इस तरह का कोई भी और पुराना एक कपड़ा ले लेना है और उसे इस तरह से आटा बैग के ऊपर रख के हमें स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद ये आटा बैग कुछ ऐसा लग रहा है। उसके बाद जो हमने तार से सर्कल शेप बनाया था वो हमें इस टॉवल के ऊपर इस तरह से रखते जाना है और टॉवल को अंदर फोल्ड करके ग्लू गन की हेल्प से नहीं तो सुई धागे की हेल्प से हमें सर्कल शेप में सिलते जाना है। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाली साइड थी उसमें वो सर्कल शेप वाला तार इस तरह से सिल दिया है। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है जो खुला दिख रहा है उसमें भी जो सेकंड तार हमने बनाया था वो इस तरह से अंदर डाल के स्टिच कर देना है। उसके बाद हमें जो हमने सर्कल बनाए थे तार वाले उसी के शेप का एक प्लास्टिक मोटा वाला कट कर लेना है। उस प्लास्टिक को भी हमें किसी कपड़े की हेल्प से इस तरह से दोनों साइड से पैक कर देना है और उसके बाद ये कपड़ा जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसके ऊपर रख के आप पहले ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दीजिए और उसके बाद सुई धागे की हेल्प से सिल दीजिए। और सिलने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा है। ये हमारी एक सुंदर सी बैग रेडी है। उसके बाद हमें प्लास्टिक के जो इस तरह के डिस्पोजल वाले ढक्कन आते हैं उसे ले लेना है और उसका जो आउटर साइड है वो कट कर लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऊन का धागा है या जूट की रस्सी पड़ी है तो उससे इस रिंग को अच्छे से पैक कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लास्टिक की रिंग हमने कट की थी उसे मैंने इस तरह से पैक कर लिया है और इस दोनों रिंग को हमें इस बैग के ऊपर इस तरह से सुई धागे की हेल्प से अटैच कर देना है। और ये हमारी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से जीरो कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया लॉन्ड्री बैग रेडी है। इसका फ़ायदा ये है कि ये फोल्डेबल है। आपको जब भी इसका यूज़ करना है तो आप इसे निकाल भी सकते हो और आपको जब इसका यूज़ नहीं करना है तो आप इसे फोल्ड करके इस तरह से रख भी सकते हो। और ये हमने पुराने कपड़ों से बनाई है तो ये जब भी ख़राब हो जाए तो हम इसे इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी पुराने कपड़े का आइडिया पसंद आया हो। देन इसके बाद जो मैं लास्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। जैसे इसके लिए आपको कोई भी पुरानी इस तरह की नैपकिन ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास एक नया ही नैपकिन पड़ा हुआ था लेकिन उसमें छेद हो गया था तो मैंने जो छेद वाला हिस्सा है उसे इस तरह से कट कर लिया है। और उसके बाद जो कट किया हुआ कपड़ा है उसे इस तरह से तीन हिस्सों में कट कर लेना है और उसके बाद जॉइंट करके इस तरह से बड़ा नाड़ा तैयार कर लेना है। उसके बाद जो बची हुई नैपकिन है उसके ऊपर वाले हिस्से में हमें दो इस तरह के मेजरमेंट ले लेने हैं और उसके बाद कपड़े को इस तरह से ऊपर में दो फोल्ड लगाने हैं और उस फोल्ड में दो पेंसिल या पेन डाल दीजिए और जो बाहर का हिस्सा है उसे सुई धागे की हेल्प से हमें स्टिच कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर दिया है। उसके बाद आपको उसमें से पेंसिल निकाल लेनी है और जो हमने नाड़ा बनाया था उसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इस गैप में डाल देना है। और डालने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और ये हमारा बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया छोटे बच्चों वाला एप्रन रेडी है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो जब भी उनको पेंटिंग करनी होती है या खाना खाना होता है तो वो खाने के दाग या पेंटिंग के दाग कपड़ों पर लगा देते हैं। इसकी वजह से उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और वो दाग निकालना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो इस टाइम आप इस तरह का छोटा सा एप्रन बना के उनको खाते वक्त या पेंटिंग बनाते वक्त पहना के दोगे तो उनके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। वैसे तो इस तरह के एप्रन मार्केट में भी मिल जाते हैं लेकिन ये एप्रन एडजस्टेबल होने के कारण आप इसे इजीली ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स पुराने कपड़े का ये भी रीयूज़ आपको पसंद आया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स पुरानों कपड़ों का ऐसा रीयूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो आइडिया थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए।